बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में छतरपुर में भी राजनीतिक पार्टियां भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। छतरपुर में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की अर्थी को सड़क पर जलाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढकर लाएगा उसे वह 500 रुपए का नगद इनाम देंगे। आज जो है बांग्लादेश में हो रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन देश में तो देश में विदेशों में भी चल रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे छतरपुर में प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ। हमने भी जो तय किया है, शिवसेना ने तय किया है कि ये आज ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को चेतावनी दे दें कि यहाँ जितने रोहैया और जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं सबको बाहर करें, और अगर नहीं बाहर करती है तो शिवसेना ने अभी ऐलान किया है कि जो एक घुसपैठिए का पता देगा कि ये है उसको 500 रुपये शिवसेना नगद इनाम देगी। आज ये शिवसेना द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर दिया गया है, और ये 3 बिंदुओं का ज्ञापन है जिसको हम अभी कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसको राज्यपाल महोदय की ओर भेजते हैं, और इसमें समुचित कार्यवाही जो भी निश्चित होगी वो होगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।